नमस्कार मित्रों, जन सरोकार मंच के इस सुंदर पटल पर मैं आज आई हूँ, डॉक्टर शकुंतला सरोपरिया उदयपुर राजस्थान से। आप सभी को नववर्ष की बधाई देते हुए मैं आपके साथ अपनी कविता यात्रा और संवाद के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। मैं देवेंद्र जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है और आप सबसे रूबरू होने का इस नववर्ष में मौका दिया है। सभी को नमन करती हूँ। तो आइए, शाम के सांवले चेहरे को निखारा जाए, आज की शाम को शायरी के साथ गुजारा जाए। हर एक लम्हे को सजाएंगे हम आज एक सलीके के साथ। चलिए कश्ती को दरिये में उतारा जाए, चलो कश्ती को दरिया में उतारा जाए। मैं जयपुर राजस्थान में पली बढ़ी और वहाँ पर मैंने एमए स्नातकोत्तर मतलब समाजशास्त्र में किया और उसके बाद मैंने पत्रकारिता में एक वर्षीय डिप्लोमा हासिल किया। चूँकि मेरे पिता जो राजस्थान में पत्रकारिता के पुरोधा रहे हैं, डॉक्टर भंवर सुराणा साहब, चूँकि घर में पत्रकारिता का बहुत उम्दा माहौल था, बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकारों के साथ पिता का रابطہ रहा, और क्योंकि वो एक राजनीतिक रिपोर्टर भी थे हिंदुस्तान टाइम्स के, हिंदी हिंदुस्तान अखबार के, मेरे पिता राजस्थान में ब्यूरो चीफ रहे, और इसी वजह से क्योंकि घर में बहुत अखबारों का साहित्य का जो है एक जमावड़ा सा लगा रहता था, पिता की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, तो घर में क्योंकि पढ़ने लिखने का माहौल था तो मैंने पत्रकारिता में एक वर्षीय डिप्लोमा हासिल किया। पत्रकारिता में डिप्लोमा करने के बाद जब मेरा विवाह उदयपुर हुआ तो उदयपुर आने के बाद मैंने पत्रकारिता को एक पेशे के रूप में अपनाया, यहाँ के स्थानीय अखबारों में काम करना शुरू किया और संवाददाता के रूप में काम करती रही। आकाशवाणी और दूरदर्शन से मेरा रابطہ बढ़ने लगा और उसी के साथ मैंने पेशे के रूप में एंकरिंग को भी अपनाया, मंच संचालन को भी अपनाया और स्थानीय अखबारों में काम करते हुए मैंने दैनिक भास्कर में काम किया। उसके बाद मैंने दैनिक हिंदुस्तान में भी 12-13 वर्षों तक संवाददाता के रूप में जो है अपनी सेवाएं दी। और कविता की जहां तक बात है, लगभग 1995 में आपको याद होगा जब गणेश जी दूध पी गए थे, पूरे विश्व में उसकी खबर इस तरह से वायरल हो गई थी, उस वक्त मैंने कविता लिखना शुरू किया और मेरा सौभाग्य है कि मैंने पहली कविता राजस्थानी में लिखी और राजस्थानी में लिखने के बाद मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया और इसी तर्ज पर मेरा जो है राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर से हेवड़ारो हेलो नामक गीतों का एक संकलन हेवड़ारो हेलो नाम से प्रकाशित हुआ। और बाद में अभी हाल ही में 2-4 साल पहले मेरी हिंदी में जो कहानियों से बेटियां इस पुस्तक का विमोचन भी मैंने एक समारोह पूर्वक किया। तो दो पुस्तकें मेरी हैं और उसके अलावा क्योंकि मेरी गायन में हमेशा रुचि रही थी तो 16-17 कैसेट्स देश की विविध कंपनियों से मैंने रिलीज़ की और जिसमें गरबा गीतों को मैंने राजस्थान में पहली बार प्रारंभ किया। मेरी क्योंकि पेंटिंग में रुचि रही है तो मैंने कविता और कोलाज की एक प्रदर्शनी 50 चित्रों की विशेष रूप से सूचना केंद्र में आयोजित की और जगह जगह उनका प्रदर्शन करती रहती हूँ। और साथ ही दो फिल्मों में भी मैंने अभिनय किया है, हेवड़ा इसमें जिसका नाम है द किडनैप प्रिंसेस, ये एक इटालियन फिल्म के साथ में कोलाब्रेशन था हिंदी फिल्म का, और उसी के साथ मैंने जियो मारा लाल राजस्थानी फिल्म में भी एक छोटा सा रोल किया। तो ये मेरी जीवन यात्रा है, छोटा छोटा सा परिचय है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज की शाम गुलाबी ये गुलाबी आलम, हमने लिखा है आपके नाम ये गुलाबी आलम, और आपके हाथों में गुलाबों की महक है शायद, आपके आने से हुआ सारा गुलाबी आलम। तो शारदा जो हमारे विवेक में उजास अंकित करती है, जो विद्या ज्ञान कला की देवी हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, हम ये मंत्र को पढ़ते ही हैं। आइए, माँ की वंदना की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखती हूँ और अपनी बात संवाद जारी रखूंगी, सुनिएगा।
भीगे भीगे गीत देना, भीगे भीगे गीत देना, विद्वता और ज्ञान माँ, विद्वता और ज्ञान माँ, साहित्य का मधुबन सींचू बनो हो किसान माँ, भीगे भीगे गीत देना, विद्वता और ज्ञान माँ, विद्वता और ज्ञान माँ, जागे और में प्रेम ज्योति जीवन में उदास दो, जीवन में उजास दो, मन में मृदुलता भर दो, शब्दों में सुहास दो, कंठ में सरगम देना, कंठ में माँ सरगम देना, सुरीली सितान माँ, सुरीली सितान माँ, भीगे भीगे गीत देना, विद्वता और ज्ञान माँ, विद्वता और ज्ञान माँ। और क्या कहती हूँ माँ से सुनिएगा। मन से फकीर रखना दूसरे जन के जग में राज, गीतों का मवैभव देना आखिर आखिर कर से मांझ, आखिर आखिर कर से मांझ, रहो मेरे ध्यान में नित, रहो मेरे ध्यान में नित, बसो मेरे प्राण माँ, बसो मेरे प्राण माँ, भीगे भीगे गीत देना, विद्वता और ज्ञान माँ, विद्वता और ज्ञान माँ, चेतना संवेदना के दोने ना उपहार में दो, अंतस निहारे सत्य सही ये संसार में दो, मनुजता की पढ़ू रिचाए, मनुजता की पढ़ू रिचाए, करूं गुण गान माँ, करूं गुण गान माँ, भीगे भीगे गीत देना, विद्वता और ज्ञान माँ, विद्वता और ज्ञान माँ। और कहती हूँ माँ की वंदना में, प्रिय बोलो प्रिय लिखो अधरों पे हास दो, चेत न हो यूं डगमग शारदे विश्वास दो, यश के गगन में विचरूं, यश के गगन में विचरूं, बना दो सुजान माँ, बना दो सुजान माँ, भीगे भीगे गीत देना, भीगे भीगे गीत देना, विद्वता और ज्ञान माँ, साहित्य का मधुबन सींचू बनू वो किसान माँ। कविता क्या होती है? कविता कोई दवा की गोली नहीं है जो सिरहाने पे रख के सो जाए, अलार्म नहीं है। और कविता एक ऐसा मोहब्बत का पैगाम पहुंचाती है, दिलों से दिलों तक दस्तक देती है बिना बर्बरता फैलाए हुए। जब पेंटागन में जब हमला हुआ था, उस वक्त अमेरिका जैसे भौतिकवादी देश में भी लोग कविताओं के लिए सरे शाम शामों को जुड़ने लगे थे, क्योंकि कविता है संवेदना की एक तरल विधा जो दिलों से दिलों तक एक प्रेम की धार पहुंचाती है, सुकून और राहत पहुंचाती है। तो मुझे भी कविता रचते वक्त ऐसा ही कुछ महसूस होता है। ये सच है कि किसी भी पेड़ की एक शाख के जैसा वजूद होता है गीत गजल कविता का। पहले एक पतझर से गुजरो, तब कहीं एक कोंपल हाथ लगती है और वो कविता में ढल करके हमारे सामने आ जाती है। तो कहते भी हैं, मैं हर बार कहती हूँ कि कविता करना खेल नहीं है, पूछो हम फनकारों से। हम सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। मैं ये मानती हूँ कि बिना माँ की कृपा के ये काम संभव नहीं है। माँ शारदे जो श्वेत पद्मासना है, वीणा वादिनी है, पुस्तक धारिणी है। इस वक्त हम देख रहे हैं देश और दुनिया में चीजें बिखर बिखर रही हैं और कोई भी उन्हें संभाल नहीं पा रहा है। एक अनजानी सी हुकूमत दुनिया में चस्पा है, सब कुछ धुंध में धुंधला सा है, मासूमियत की मणियाँ खो चुकी हैं, और जो अच्छे लोग हैं नेक हैं उनमें कुछ हिम्मत और इरादों की कमी है, जो बुरे लोग हैं वो उत्साह से उमंग से लबालब हैं, इसीलिए दुनिया का ये हाल हो चुका है।
जो लोग हौसले और जोश से भरे हुए हैं उनकी कोई सुन नहीं रहा है। सुनने वाला ना कोई किससे करे शिकवे गले, मेरी आहों का भी पूरा ही असर बाकी है। तो आइए मैं अपनी एक नई रचना से आपको जोड़ती हूँ। इस दुनियादारी में इस वक्त क्या हो रहा है फिल वक्त, उसी पर मैंने ये रचना लिखी है, सुनिएगा। तो आइए जीवन के तमाम रंगों को लेकर के जो इस वक्त हमें नजर आते हैं दुनिया में, उसी पर मैंने ये गीत रचना लिखी है, सुनिएगा। जीवन में पतझड़ के मौसम बोल रहे रे, धड़कन धड़कन पीड़ा के रंग घोल रहे रे। जीवन में पतझड़ के मौसम बोल रहे रे, धड़कन धड़कन पीड़ा के रंग घोल रहे रे। नींद नहीं नैनों में सपने झरते देखे, रिश्तों के गमले भी सारे सूखते देखे। मर्यादा से छूट अकेले डोल रहे रे, धड़कन धड़कन पीड़ा के रंग घोल रहे रे। मर्यादा से छूट अकेले डोल रहे रे, धड़कन धड़कन पीड़ा के रंग घोल रहे रे। पुष्प कहाँ है प्रेम के जग में, जग ये भय में सारा। पुष्प कहाँ है प्रेम के जग ये भय में सारा। कहाँ गई विश्वासों की वो बहती धारा। झूठ पे झूठ के सब वादे और कोल रहे रे, झूठ पे झूठ के सब वादे और कोल रहे रे। धड़कन धड़कन पीड़ा के रंग घोल रहे रे। जीवन में पतझड़ के मौसम बोल रहे रे। और पतझड़ का मौसम अच्छा नहीं होता, बाहरों का मौसम ही अच्छा होता है, हम सब जानते हैं। और कहती हूँ, बचपन की बात करती हूँ, यौवन की बात करती हूँ। बचपन के नैनों में है प्रतिस्पर्धाएं, यौवन के कांधों पे निराशाओं की घटाएं। यौवन के कांधों पे निराशाओं की घटाएं। ढलती उम्र में बजते यादों के ढोल रहे रे, ढलती उम्र में बजते यादों के ढोल रहे रे। धड़कन धड़कन पीड़ा के रंग घोल रहे रे। जीवन में पतझड़ के मौसम बोल रहे रे, धड़कन धड़कन पीड़ा के रंग घोल रहे रे। और कहती हूँ, गली गली में दुख की हाटें सजी हुई हैं, मनुज मनुज से आस की लाशें बंधी हुई हैं। मुस्कानों के पंछी पंख न खोल रहे रे, मुस्कानों के पंछी पंख न खोल रहे रे। जीवन में पतझड़ के मौसम बोल रहे रे। दिए दिए में दिवाली से कहाँ उजाले, घर घर में कंगाली ने अब लंगर डाले। सब सरकारों की नीयत के झोल रहे रे, सब सरकारों की नीयत के झोल रहे रे। धड़कन धड़कन पीड़ा के रंग घोल रहे रे। जीवन में पतझड़ के मौसम बोल रहे रे, धड़कन धड़कन पीड़ा के रंग घोल रहे रे। धड़कन धड़कन पीड़ा के रंग घोल रहे रे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस मौसम में, जो जीवन का मौसम चल रहा है, आप जानते हैं कि देश में पूरी जगह महामारी का बोलबाला है। हम सब त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं
एक शिकार है महामारी के, कोरोना नाम की। और ये सच है कि सूखे पत्ते हैं यहाँ गुलशन में, इन दिनों बहारें नहीं पतझड़ हैं, खिजाएं हैं। जंगलात में आदमखोर को मत ढूंढिए, क्योंकि बस्तियों में आजकल उनकी गुफाएं हैं। आज कौन सुन रहा है यहाँ बेबस हलदरों की चीखें, कुर्सियों पर बैठी पत्थरों की कुछ शिलाएं हैं। यानी पथरीले से जग में संवेदनाओं की तरलता नहीं है। ऊपर से आज के माहौल में कोरोना के कारण खुशी की कोई खास वजह भी नजर नहीं आती। लेकिन आज के इस बेबसी के मौसम में हम सब कविता के इर्द गिर्द बैठे हैं। ये वैसी ही कोशिश है कि जैसे घोर सर्दी में कड़ाकेदार ठंड में बहुत सारे लोग अलाव के इर्द गिर्द हाथ सेक करके सुकून और राहत पा रहे हो। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि किसी भी समाज का, किसी भी इतिहास के दौर में किसी देश का चेहरा देखना हो तो वहाँ की स्त्री का चेहरा देखिए, वहाँ की स्त्री किस हालात में है, किस दौर में है। और मतलब ये कि स्त्री समाज का आईना है। किसी भी समाज में पुरुष का या एक स्त्री का चेहरा देख करके समझा जा सकता है कि वो किस हालात में जी रहे हैं। तो इस दुनिया ने औरत के कभी छाले नहीं देखे, औरत ने कहीं भी अपने रखवाले नहीं देखे। सदियां कहीं गुजरी हैं औरत की गुलामी को, नैनों ने औरत के वो उजाले नहीं देखे। और आधी आबादी को दोयम कहें कमतर भी, बेटी को प्यार से घर में जो पाले नहीं देखे, बेटी को जो प्यार से घर में पाले नहीं देखे। तो आइए अपनी एक खास रचना जो मैं बेटियों के नाम मंसूब करती हूँ, इसमें मैं बेटियों की तारीफ में वो शब्द चुनती हूँ जो हम सबको मानना चाहिए आज और अभी से। खास रचना मैं नारी के नाम, नारी के व्यक्तित्व के नाम, वजूद के नाम करती हूँ, सुनेगा। तुम आश्रिता, तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। तुम अणिमा हो, तुम गरिमा हो, इस सृष्टि की पहचान हो। बर्फीली रुत में धूप तुम ईश्वर का दूजा रूप हो। जग की हो तुम मंगल धुरी, तुम अनुपमा हो अनूप हो। तुम गीतिका, तुम सारिका, तुम रागिनी मृदुताने हो। तुम हर्षिता, तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। इक सरिता घर घर रीत की, मधुघट हो ममता प्रीत की। तुम शुभ्र ज्योति ज्योत्सना, तुम प्रेरणा हो अतीत की। तुम चंद्रिका, तुम हंसिका, तुम संस्कृति सम्माने हो। तुम हर्षिता, तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। आनंद का एक पड़ाव हो, दुख भंजना सुख छाव हो। तुम भावना पर हित की हो, कल्याण का मृदु भाव हो। तुम शुभदा हो, तुम प्रियंवदा, तुम शुभ का ही संधान हो। तुम हर्षिता, तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। तुम कन्या धन अर्धांगिनी, मारूप जग में सुहासिनी। तुम बिन है नीरस जगत, साम्राज्ञी तुम जगधारिणी। तुम अमृता, तुम सेविता, जगपालिका जग प्राण हो। जगपालिका जग प्राण हो। तुम हर्षिता, तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। सीता थी तुमने वनवास किया, मीरा थी तुमने विष किया। तुम पांचाली बन के सुलगी, तुम शापित अहिल्या बन जिया। तुम पीड़िता दुख वेदिका, मुस्कानों का आवान हो। तुम हर्षिता, तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। तुम शक्ति का दरबार हो, सब रिश्तों की पतिवार हो। चंद कथा, हो छंद कथा चौपाई सी,
शुभ वाणी का संचार हो, तुम काली का तुम शारदा, माँ लक्ष्मी सी ही महान हो, माँ लक्ष्मी सी ही महान हो, तुम हर्षिता तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो, तुम अणिमा हो तुम गरिमा हो, इस सृष्टि की पहचान हो, इस सृष्टि की पहचान हो। हमने देखा कि बेटियां नारी औरत किस तरह से होती हैं और उनको आज और अभी से क्या मानना चाहिए। तो आइए, मैं प्रेरणा का हर एक आचमन चाहती हूँ, मैं क्षितिज में सुनहरा गगन चाहती हूँ और महकता हुआ वो चमन चाहती हूँ, रहे हरदम सजल नयन चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, और गैरों के गम क्या ढूंढने जाएं जब अपने ही घर में गम के खजाने बहुत हैं। तो इस वक्त दुनिया, जैसा कि आपने देखा कि एक बहुत बुरा मौसम कोरोना का छाया है और उसकी वजह से हम सब परेशान हैं और बहुत दुख के हालात में कई लोग जी रहे हैं, कई बेरोजगार हो चुके हैं, चीजें बिखर रही हैं और कहीं भी कुछ भी अभी उम्मीद तो नजर आ रही है, लेकिन फिर भी हम बहुत भयग्रस्त हैं। ऐसे में मैं एक गजल पढ़ करके, वक्त बेगरत हुआ और हम तमाशा बन गए, बस हमें हासिल यही है जिस्त के एहसास में। अभी इतना ही काफी है कि हमारी धड़कनें चल रही हैं, बाकी तो कोरोना की वजह से न जाने कब किसकी सांसें रुक जाएं। तो आइए, मैं नववर्ष में सभी के सुंदर स्वास्थ्य, सुंदर जीवन, सुख समृद्धि की कामना करते हुए अंत में जन सरोकार मंच टोंक के इस पटल पर अपनी ये रचना पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक मौसम आएगा तो एक विदा ले जाएगा। जिस तरह से एक साल चला गया 2020 और 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं। एक मौसम आएगा तो एक विदा ले जाएगा, यादों का मौसम तो दिल का चैन चुरा ले जाएगा, यादों का मौसम तो दिल का चैन चुरा ले जाएगा। दुनिया में फिल वक्त ढाया बद्दुआ ने यूं कह, दुनिया में फिल वक्त छाया बद्दुआ ने ढाया, बद्दुआ ने यूं कह, ना खबर थी कोरोना आबो हवाले जाएगा, ना खबर थी कोरोना आबो हवाले जाएगा। और इसमें अमीर गरीब सभी त्रस्त हो गए और राजा रंक सभी त्रस्त हुए हैं इस बीमारी के कारण, और कई लोगों का घमंड भी टूटा है। जब वो दुनिया में सब कुछ अपनी मुट्ठी में समझते हैं, तब उनको घर में कैद रहना पड़ गया। गुम तकबुर और गुमा भी सीखा सबने एक सबक, गुम तकबुर और गुमा भी सीखा सबने एक सबक, साथ क्या लाया था बंदे साथ क्या ले जाएगा। तकब्बुर टूट गया, कईयों लोगों का घमंड टूट गया और गुमान टूट गया, तब साथ क्या लाया था बंदे साथ क्या ले जाएगा। बागबां को खुशबुए गुल मिलती है जब हो बहार, जब खिजां हो बाग में तो गुल वो क्या ले जाएगा, जब खिजां हो बाग में तो गुल वो क्या ले जाएगा। पैरा हम ए जिंदगी में, यानी जिंदगी के लिबास में, पैरहनी है जिंदगी में दर्द के पैबंद हो तो अपना होगा दर्द वो खुद बंदा वाले जाएगा,
अपना होगा दर्द वो खुद बंदवा ले जाएगा। हर खुशी जब दूर हो तन्हाई गम के साई हूँ। जब बहुत सारा दुख आ जाता है जिंदगी में तो ईश्वर के सिवा, प्रभु के सिवा और अल्लाह के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। हर खुशी जब दूर हो तन्हाई गम के साए हूँ। शब सहर करना इबादत गम खुदा ले जाएगा। शब सहर करना इबादत गम खुदा ले जाएगा। और आखिर में कहती हूँ, शायरी में है जुदा अंदाज मेरा क्या शकुन। शायरी में है जुदा अंदाज मेरा क्या शकुन। कौन मेरे लफ्ज तरन्नुम और अदा ले जाएगा। कौन मेरे लफ्ज तरन्नुम और अदा ले जाएगा। एक मौसम आएगा तो एक मौसम जाएगा। यादों का मौसम तो दिल का चैन चुरा ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुक्तक कहते हुए मैं विराम देती हूँ। जन सरोकार टोंक के इस मंच पर हुई हूँ। जन सरोकार मंच टोंक कुछ मुक्तक कहती हूँ। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ। है उस माँ की इबादत मेरी ये कलम। माँ की मेहर से ताकत मेरी ये कलम। जब मिटाती हीरगी दे कलम रोशनी। सुकून दिल में दे राहत मेरी ये कलम। सुकून दिल में दे राहत मेरी ये कलम। और अपनी माँ के नाम एक मुक्तक कहती हूँ। माँ समर्पण का पावन शिवालायक मेरे जीवन की माँ पाठशाला है। एक रिश्तों की एक धुरी तीर्थ ममता का माँ। मैं के धड़कने माँ चंदन की माला है। एक मैं के धड़कने माँ चंदन की माला है। एक आइए एक आध मुक्तक और पढ़ती हूँ। ओ सुबह या की शाम मैं लिखती रहूं। ताजा ताजा कलाम मैं लिखती रहूं। बेपनाह है मोहब्बत कलम से मुझे। कुछ मिले ना भले दाम मैं लिखती रहूं। कुछ मिले ना भले दाम मैं लिखती रहूं। और दुनिया है प्रेम के आधार पर ही जीवित है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और जब तक अंबर शेष रहेगा पंछी का पर शेष रहेगा। और शब्द कोश जल भी जाए तो ढाई अक्षर शेष रहेगा। तो कहती हूँ ये मुक्तक। ढाई आखर तो जगती का आधार है। ढाई आखर के बिन सूना संसार है। प्यार इश्क और स्नेह प्रीत प्रेम रहे। जग में जीवन का अमृत ये श्रृंगार है। जग में जीवन का अमृत ये श्रृंगार है। और माँ को कहती हूँ, माँ से अर्चना करती हूँ, वंदना करती हूँ। ऐसा क्या बोलूं तेरे दिल को छू जाए माँ। कैसे मांगूं दुआ तू मेरी हो जाए माँ। मेरी मन्नत माँ तेरी ही हो जाऊं मैं। क्या करूं मैं मन्नत पूरी हो जाए माँ। और आखिर में एक और मुक्तक कहते हुए आप सबसे विदा लेती हूँ। जन सरोकार मंच टोंक के इस पटल पर मैं हूँ और सभी सामीन जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। गूंजती ही रहूं वो सदा मैं बनूं। मांगे सबकी जुबां वो दुआ मैं बनूं। शम्मा लेके चलूं
नूर मोहब्बत का मैं गैरों के दर्द की एक दवा मैं बनू, गैरों के दर्द की एक दवा मैं बनू। खत्म हुआ सफर, यादों का बिस्तर समेट लें, हम आज की खुशियों का ये दफ्तर समेट लें, कल होंगे न जाने कहां हम एक जरार को, हम दिल के आईने में ये हंसी मंजर समेट लें। तो मैं शकील बदायूनी जी का वो शेर कहते हुए आप सब से विदा लूंगी और शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब यहाँ पे जुड़े रहे अंत तक। तो ये कहते हुए विदा लेती हूँ कि जो हो सके तो बुला लेना मुझे किसी भी वक्त, जो हो सके तो मेहरबान हो के बुला लेना मुझे किसी भी वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ जो फिर आ न सकूँ। शुक्रिया, शबा खैर, नमस्कार।